हेलो फ्रेंड्स, इनके नम्बर सेलम समेल डायमंड बिस्किट एप्ली पड़े पाकल अद्क मना नम चल सब्सक्रेबा सब्सक्रेब बटन अल्ती पक बेल बटन अल्ती इत पड़क और कप मैदा अपरम कल कप सर रोम ईसि अंड क्विक स्ना वो ईविंग टाइम नम्बर से टूक कुल इतमारी कुछ अर को अंतमारी वोटना नम अूस पड़ा सपाती की पेसेज वेक्रमारी पेसेज वो इतर 10 to 15 मिनट्स मूड़ वें अमारी शेप पड़े चपाती कल चपाती की उरटमारीटिको इतना नया इनक्रीडियंटू कमी मैदा सकर अवलोदा अब सपाती उरट मारे उरटे इतमी कट पड़ो इत वे ना टाइम शेप कट पड़े उ शेप वेमो अट पड़ी के डमंड शेप कट पड़ा इंमारी डमंड शेप कट पड़ो कट पड़ी और तटे माती वचरल पारें एपी कट पड़ो टाइम कूड़े काटे इतमारी कट पड़को सापड़ ना मोर मोर नल्कि टाइम कट पड़ी वे एन ना काज वो एम्पू परीच एल पाती ईसिया स्नासन क्विक ना से नमक टाइम अधिकम और 15 to 20 मिनट्स इत मुड़ ती वो मिधान सोटे वो करीमारी एल परी एचको और सैड परीजद इन सैड तिरपी विटर को நீங்க உருட்டும் போது கொஞ்சமா மாவு போட்டு உருட்டணும். அப்புறமா நல்லா சப்பாத்தி பிரட்ட மாதிரி பிரட்டிட்டு மாவை தட்டிரணும். தட்டிட்டு அப்புறமா நீங்க டைமண்ட் பீஸ் மாதிரி கட் பண்ணனும். மாவு இருந்துச்சுனா கருப்பு ஆயிரும் டைமண்ட் பீஸ்லாம். அதனால இந்த மாதிரி நல்லா ரெண்டு சைடும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு தட்டல மாத்திடலாம். பாருங்க நம்மளோட சுவையான சூப்பரான டைமண்ட் பிஸ்கட் ரெடி ஆச்சு. இது உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா சேலம் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. थैंक यू.